नमस्कार। योग अभ्यास की 45 मिनट की श्रृंखला की आज इस 28वीं कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीठ गर्दन को सीधा करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, कुछ एक लंबे सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर। तीन बार ओम का उच्चारण, शांति शब्द और प्रार्थना। सांस भरिए। शांति शांति शांति। पूर्णमादः पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रखिए, आंखों पर रखिए, हाथ हटाकर आंखों को खोल दीजिए। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने स्थान पर खड़े होने के बाद दोनों पैरों को मिला लेंगे या फिर दोनों पैरों में दो चार उंगलियों का फासला भी दिया जा सकता है। हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, लंबा सांस भर के सामने से हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, ऊपर जाकर पूरा शरीर खींचें। अभी सांस भरते हुए एड़ियां ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, करते रहेंगे इस प्रकार 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एड़ियां नीचे लाएंगे, सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़कर साइड से हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अभी अपने स्थान पर दीवार के पास जाकर खड़े हो जाएंगे, दीवार में एक हाथ का फासला देकर पीठ करके दीवार की तरफ खड़े हो जाएंगे। अभी हाथों को सामने जंघाओं पे रखेंगे, लंबा सांस भरते हुए दाएं हाथ को सामने से ऊपर उठाएंगे और शरीर को पीछे की तरफ झुकाते हुए हाथ को पीछे दीवार पर स्पर्श करेंगे, गर्दन पीछे लटकाएंगे और फिर सांस बाहर छोड़कर वापस आ जाएंगे। फिर सांस भरते हुए बायां हाथ उठाएंगे, पूरा पीछे शरीर जाए, सांस छोड़ते हुए वापस। इस प्रकार से दोनों हाथों से 12 12 बार करेंगे, 24 23 22 21 20
19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दो तीन लंबे सांस भरेंगे, अभी शरीर को सीधा करके खड़े हो जाएंगे और अभी अपने बाएं हाथ को दीवार पर रखेंगे कंधे के बराबर ऊंचाई पर और पैरों में कंधों के बराबर फासला रहे। सांस भरते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे कंधे की ऊंचाई पर और सांस छोड़कर शरीर को बाईं ओर नीचे झुका देंगे और हाथ से हाथ को स्पर्श करेंगे। फिर सांस भरते हुए हाथ को सीधा लेकर आएंगे कंधे की ऊंचाई पर और फिर से झुका देंगे। 15 बार करेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस आ जाएंगे और इस अभ्यास को अभी दूसरी तरफ से करेंगे। दाएं हाथ को दीवार पर रखेंगे, पांवों में फासला देंगे कंधों के बराबर। सांस भरते हुए बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़कर शरीर को दाईं ओर झुका देंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस आ जाएंगे। दो तीन लंबे सांस भरेंगे और अभी दीवार की तरफ पीट करके खड़े हो जाएंगे, लगभग एक हाथ का फासला देकर और दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला रहे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने कंधों की ऊंचाई पर उठाएंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएंगे और दीवार पर स्पर्श करेंगे दोनों हाथों को पीछे। फिर दूसरी तरफ इस प्रकार से दोनों तरफ से 15-15 बार करेंगे। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14,
थर्टीन ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। कुछ एक लंबे सांस भरेंगे, अगला अभ्यास करेंगे वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला देकर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को सामने जमीन पर रखेंगे। लंबा सांस भर के सामने से हाथों को खींचकर ऊपर लेकर जाएंगे हाथ, और पूरा पीछे की तरफ फैला देंगे। गर्दन को और छाती को पीछे की तरफ पूरा मोड़ देंगे, और अभी सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को पीछे से खींचते हुए और घुमाते हुए हाथ नीचे गर्दन सीधी करते रहेंगे। इस प्रकार से 12 बार। 12 लंबा सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, 11 और सांस छोड़ते हुए वापस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कुछ एक लंबे सांस भरेंगे और सीधे आ जाएंगे अपने स्थान पर। अगला अभ्यास दोनों पैरों में कंधों से थोड़ा सा अधिक फासला दे देंगे। दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे, कोहनियां सीधी, सांस भरेंगे, सांस छोड़कर शरीर को दाईं ओर झुकाएंगे, सांस भरते हुए सीधे और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, जितना नीचे हो सके उतना नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए सीधे और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर करते रहेंगे। दोनों तरफ से 20 20 40 बार, 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। पैरों को मिला लेंगे और लंबे सांस भरेंगे। अभी कटी शक्ति विकासक क्रिया का अगला अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे पीठ के, और एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को इस प्रकार से पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ की मुट्ठी बना लेंगे। हाथों को पीठ के पीछे रखेंगे जहां से मुड़ा जाता है। अभी लंबा सांस भर के शरीर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी से शरीर को झुकाएंगे पीछे की तरफ, और अभी सांस बाहर छोड़ते हुए पूरा आगे चले जाएंगे। आंखें खोल कर रखेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, गर्दन आगे झुकाकर माथे को घुटने के नज़दीक लेकर जाएंगे, फिर लंबा सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। गति को धीमा ही रखेंगे, तेज तेज नहीं करेंगे। फिर पीछे, फिर आगे। 10 बार और करेंगे इस अभ्यास को। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लंबे सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर। अगला अभ्यास करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया का। पैरों में कंधों से ज्यादा फासला दे देंगे। दोनों हाथों को उसी प्रकार से रखेंगे जिस प्रकार से इससे पहले वाले अभ्यास में रखा था। पीछे ले जाकर एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ के लंबा सांस भर के शरीर को पीछे झुका देंगे। सांस बाहर छोड़कर आगे 10 बार करेंगे। 10 9 8 7 6 5
फोर थ्री टू वन। लंबे सांस भरेंगे, पैरों को मिलाएंगे। अगला अभ्यास जंघा शक्ति विकासक क्रिया। आगे से दोनों पैरों को खोल देंगे और पीछे से एड़ियों को मिलाकर रखेंगे। हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। अभी इस अभ्यास में चार चीज़ें एक साथ करेंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को बगल से उठाकर कंधों की ऊंचाई पर ले जाएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और एड़ियों को ऊपर उठाएंगे। ये चारों चीज़ें एक साथ करेंगे और अभी इन चारों चीज़ों को वापस, एड़ियाँ नीचे, घुटने सीधे और हाथ नीचे, सांस बाहर। फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, हाथ ऊपर उठाते रहेंगे, घुटने मोड़ते रहेंगे और एड़ियाँ ऊपर उठाते रहेंगे, नीचे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद अब वापस आ जाएंगे, घुटने सीधे, हाथ नीचे, एड़ियाँ नीचे और सांस बाहर। ये सारी चीज़ें एक साथ हों अभ्यास में जाते हुए भी और वापस आते हुए भी। 12 बार करेंगे इसको। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों को सीधा कर लेंगे और लंबे सांस भरेंगे। और दो चार लंबे सांस भरेंगे। अगला अभ्यास पैरों में कंधों से लगभग 2.5 गुना अधिक फासला दे देंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से आपस में फंसाकर ऐसे बांध देंगे टाइट। अभी दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस को रोकेंगे और शरीर को दाईं ओर मोड़ देंगे। रुके हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को पूरा आगे झुका देंगे दाईं तरफ। जितना आगे जा पाएं उतना आगे चले जाएंगे। अभी लंबा सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और शरीर को दाईं ओर ही रखेंगे। पूरा सांस भरेंगे, सांस को रोकेंगे और एकदम से शरीर को बाईं ओर मोड़ देंगे और रुके हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे जाएंगे। लंबा सांस भरेंगे, उठेंगे, सांस को रोकेंगे, शरीर को मोड़ेंगे, रुके हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर नीचे चले जाएंगे। इस अभ्यास को दोनों तरफ से 12 बार करेंगे। 24 23
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस आ जाएंगे। और अभी अपने स्थान पर शवासन में आ जाएंगे। हाथों पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला, आंखें कोमलता से बंद, शरीर बिल्कुल ढीला। लगभग 4 से 5 मिनट के लिए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते रहेंगे। सारा ध्यान सांसों के ऊपर।
लंबे सांस भरेंगे और धीरे धीरे बाहर। शरीर की मांसपेशियां और हल्की होते जाएं और ढीली। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाइए, गर्दन को राइट लेफ्ट घुमाइए, पैर मिलाइए, उंगली आपस में फंसाइए और खींचिए शरीर को। पंजे अपनी तरफ बाहर, अपनी तरफ वापस आ जाइए। धीरे धीरे करवट लेकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। चेहरा और मस्तिष्क बिल्कुल ढीला। अभी अभ्यास करेंगे कपालभाति। पहला चक्र करेंगे 25 बार। आरंभ करिए।
दो चार लंबे सांस भरेंगे। कपालभाति अगला चक्र करेंगे 50 बार 50 टाइम्स। आरंभ करिए। पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। पेट चेहरा बिल्कुल ढीला। अंतिम अभ्यास करेंगे 75 बार 75 टाइम्स। आरंभ करेंगे। पेट को और चेहरे को बिल्कुल ढीला। अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। आरंभ करिए।
धीरे धीरे सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। सांस भरते हुए पूरे फेफड़ों को फुलाएंगे अच्छे से। जो चक्र कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे। आखिरी बार बाईं ओर से सांस बाहर छोड़कर वापस आ जाएंगे। तीन बार ओम का उच्चारण, शांति शब्द और शांति पाठ। सांस भरिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शांति।
दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। आंखों पर रखिए, हाथ हटाकर आंखें खोल दीजिए। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हुई। अब मुलाकात होगी अगली कक्षा में नए अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।